शहाब, तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। हीर कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन तुम नहीं बड़ी हुई। आप कौन? अर्शद साहब का घर यही है ना? जी जी, उन्हीं का घर है। अरे आ गए तुम लोग, भाई वाह, मैं तुम लोगों को लेने आने वाला था। चाचू, ये लोग कौन है? ये मेरे दोस्त की वाइफ है। अच्छा, कैसी हो हीर बेटा? I'm good. आप कैसे? तुम्हारे सामने हूँ। मतलब के फिट पे? शहाब, तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। हीर कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन तुम नहीं बड़ी हुई। हम अंदर चले? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। साइड में होगा। वैसे मैं ये सोच रही थी कि वक्त का पता ही नहीं चलता। क्यों, तुम्हारे घर में घड़ी काम ही करती क्या? हीर, अब तुम्हें शहाब से ना इसी किस्म के फजूल जोक सुनने को मिलेंगे। फजूल क्यों मम्मी, आई थिंक इट्स रियली फनी। सी शी लाइक्स इट। अब मैं इसी तरह के जोक्स किया करूंगा। अच्छा ये बताओ, अर्शद भाई का गुस्सा कुछ कम हुआ या वैसे ही सख्त मिजाज है? अरे कहां कम हुआ, बल्कि उनके गुस्से में तो कुछ तरक्की हो गई। हीर, तुम नहीं जानती, अर्शद भाई इतना गुस्सा करा करते थे हम दोनों की शरारतों पे। हाँ मुझे याद है। दरअसल हीर, मैं और तुम्हारी मम्मी बहुत पुराने दोस्त हैं। हम दोनों ने मिलके बहुत सारी शरारती की हैं, बहुत लोगों को तंग करके रखा हुआ है। आई नो दैट, थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, मम्मी जिक्र करती रहती हैं आपका। अच्छा करती हैं? ओह, आखिर हम लोगों ने इतना सारा वक्त क्लोज गुजारा है तो वक्त गुजारा है, क्लोज नहीं वक्त गुजारा है। तुम लोग थक गए होंगे, तुम लोग रेस्ट करो, मैं जब तक डिनर का इंतजाम करता हूँ। डिनर पे मिलते हैं फिर। चाचू, ये लोग कौन है? क्यों, वैसे ही पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। नाराज है मुझसे? नहीं नहीं, तुमसे तो मैं बहुत खुश हूँ, और वजह भी तुम्हें पता है। चाचू देखें, जो आप लोग कह रहे हैं वो नहीं हो सकता ना। आप लोग मेरी गांव की लड़की से शादी करवाना चाहते हैं। अब शादी के लिए लड़के लड़की का दिमाग मैच होना जरूरी है ना। हाँ जरूरी है, लेकिन तुम्हें याद है मैंने कहा था कि अब इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। गुड सर, अब बताएं कौन है ये लोग? जाने दे यार। बताएं ना कौन है ये लोग? मेहमान है मेरे। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन मेहमान? कोई हमारे रिश्तेदार जिनका मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता ही हूँ। ओ, हीर नहीं आई डिनर पे? उसे भूख नहीं थी, वो बाद में खाना खा लेगी। अच्छा अच्छा, उसे ये बताओ कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हीर से अक्सर मेरा जिक्र क्यों करती हो? किसी खुशफहमी में मत रहना, वो तो फैमिली का जिक्र आता है तो तुम्हारा जिक्र भी निकल आता है उसमें। अच्छा सच बोल रही हो या अभी भी दिल की बातें छुपाने की आदत नहीं गई? शर्म करो शहाब, मैं जवान बेटी की माँ हूँ या उसकी शादी के लिए आई हूँ। ये भी है। तुमने फरहान से हमें इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराया? अरे यही तो मसला है, फरहान शादी के लिए राजी नहीं हो रहा। यही हाल हीर का भी है,
बड़ी मुश्किल से उसे मना के लेके आई हूँ, तब भी उसने शर्त रखी है कि वो पहले फरहान से मिलेगी, उससे बात करेगी, अगर समझ में आएगा तो हाँ करेगी। अच्छा तो क्या हीर शादी से इनकार कर सकती है? नहीं, इनकार तो नहीं कर रही, मगर उसने हामी भी नहीं भरी। अच्छा तो तुम ना फरहान को ये मत बताना कि तुम लोग कौन हो और किस सिलसिले में आए हो। फरहान ने तुमसे नहीं पूछा कुछ? पूछा था, मैंने उसे कहा मेरे जानने वाले हैं पुराने। अरे तुमने इतना सा खाना लिया है, क्या कर रही हो? और लो ना खाना, इतना है। मैं इतना ही खाती हूँ। अच्छा, वो क्या हुआ जवानी में जो पहलवानों वाली डाइट थी तुम्हारी? शहाब, अपना मुंह बंद रखो और खाना खाओ। हाय। हेलो, मेरा नाम हीर है और मुझे फरहान कहते हैं। जी मुझे पता है आप फरहान। आप लोग कहीं बाहर से आए हैं? जी कनाडा से। अच्छा आप बताएं आपकी क्या मसरूफियात है? मैंने बिजनेस पढ़ा है और अपने डैडी का ही बिजनेस संभालता हूँ। बल्कि संभालते तो वो खुद ही है, मैं बस ऑफिस में आना जाना करता हूँ और कुछ नहीं। मतलब आप अपने बिजनेस के कोई डिसीजन वगैरह नहीं लेते? बिजनेस के डिसीजन तो बहुत दूर की बात है, फिलहाल मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने का सोच रहा हूँ। क्या मतलब? आप थोड़ी देर बैठेंगे, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कुछ। आए बैठे, बैठे तो सही, बैठे। पता नहीं मुझे ये बात आपसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अरे बोलिए बोलिए, क्या हो गया? असल में ना मेरे डैडी काफी सख्त हैं। आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना मेरी शादी अपने गांव की किसी चौधरी हशमत की भांजी के साथ तय कर दी है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मेरा रिएक्शन था। मैं भी उसे कह रहा था ऐसे कैसे कर सकते हैं वो, भला गांव की एक अनपढ़ गंवार लड़की के साथ मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं वो? मैं तो शहर में रहता हूँ, अच्छा भला यहाँ पे रहता हूँ, किस तरह गांव जाऊंगा मैं? अच्छा बस बस बस, देखें बहुत ज्यादा नहीं हो गया? नहीं ज्यादा नहीं हुआ, आप बाहर से आई, आपको क्या पता कि पाकिस्तान की गाँव की लड़की कैसी होती है? ज्यादा नहीं हुआ, आपको क्या अंदाजा मेरे दुख का भला? मतलब फरहान doesn't know at all कि आप ही चौधरी हशमत की बहन है और मैं उनकी भांजी, और वो ये शादी करने के लिए राजी नहीं है। और जो बातें उसने तुमसे की हैं वही बातें उसने अरशद भाई से की हैं और शहाब से भी की हैं। मतलब वो ये नहीं जानता कि हम लोग कौन और यहाँ किस लिए आए? नहीं वो बिल्कुल नहीं जानता। अरे वाह, that's great, अब तो फरहान साहब का असली रूप देखने को मिलेगा। हीर, देखो यहाँ पहले ही एक मसला खड़ा हुआ है, और कॉम्प्लिकेटेड मत करो इसे। देखे मामा, लड़के को जानना मेरा पूरा हक है और आप ये हक मुझसे बिल्कुल भी नहीं छीन सकते। और मत भूलें कि मैं आपके लिए सिर्फ आपके एक कहने पे कनाडा से पाकिस्तान आई हूँ सिर्फ शादी करने के लिए। देखो वो तो तुम्हें आना ही था, आखिर हमने जबान दी हुई थी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, शायद आप भूल रहे कि मैं नेशनल कैनेडियन हूँ और अगर मैं नहीं चाहती तो कोई भी मुझे यहाँ नहीं ला सकता था। अच्छा बस अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, ये पाकिस्तान है कैनेडा नहीं। लेकिन आप जो है वो मेरी मम्मी है and I know that कि आप मेरी मर्जी के बगैर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। True?